तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस और प्रैक्टिकल सेल इनसाइट क्या होता है वो सब हमने चर्चा किया हुआ था ना। अब थोड़े से और उसमें से रिलेशंस हैं जो हमें देखने चाहिए और समझने चाहिए, है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको वन बाई वन करके बताते चलता हूँ। और कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों हमारे लिए, उन ग्राफ्स को भी यहाँ पे हम एक बार देखेंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तीन चीजों के बारे में बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था कि जब जो सेल है वो ओपन सर्किट होता है, मतलब किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है लेकिन ओपन सर्किटेड है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों की वैल्यू सेम होती है उस समय पर, क्योंकि लॉसेस नहीं हो रहे होते हैं। फिर डिस्चार्जिंग मोड में जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाता है लोड से, तो वहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेसर देन ईएमएफ आता है। और चार्जिंग मोड में जब आप उसको किसी बड़ी बैटरी से लगा दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो वहां पर वो चार्ज होते समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन होता है, तीनों होता है। तो अभी जो हम रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्चार्जिंग मोड के लिए कर रहे हैं, यानी कि वो इस पर्टिकुलर केस कर रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये वो केस है जिसमें आप जो प्रैक्टिकल सेल है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करोगे या फिर डिस्चार्जिंग मोड में काम कर रहे हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रैक्टिकल सेल है ना बच्चों, CAL, प्रैक्टिकल लिखना है ना। तो प्रैक्टिकल जो सेल है इसको काट दो, फिर से लिख लेते हैं प्रैक्टिकल सेल इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना बच्चों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। और इसी को कौन सा मोड भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, डिस्चार्जिंग मोड है, डिस्चार्जिंग मोड। चलिए तो इस पे फिर से एक बार यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि जो चीजें पूछी जाती हैं वो हमसे बनने लगे, है ना। तो भाई सर्किट डायग्राम अगर हम देखें तो हमने बनाया हुआ था कि जो सेल है हमारा उसमें जो वर्कडन बाई सेल होता है उसको ईएमएफ से दर्शाते हैं, और जो लॉसेस हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस, और हमेशा याद रखना सेल के सीरीज में रखा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। और फिर जो ये टर्मिनल पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो इस तरीके से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये बच्चों हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो जैसे ही ये कनेक्शन किया जाएगा तो इसमें आप जानते हो आउटसाइड द सेल जो है ये आपका सेल है प्रैक्टिकल, तो इसमें एक करंट फ्लो होगी फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए तो इसकी बात करना है, ये आपका डिस्चार्जिंग मोड पे आ गया सब कुछ। अब देखो यहाँ पे जब रिलेशन निकालते हैं तो हमें तो पहली बात तो ये चेक करना है, जो ईएमएफ है बच्चों वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में बैटरी के अंदर 1 कूलम चार्ज को खींचने का जो वर्क डन है उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, या वो जो एनर्जी देता है 1 कूलम चार्ज को सेल यहाँ से यहाँ खींचकर वो हम देखेंगे, तो वो ईएमएफ है। तो ईएमएफ तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि सेल के अंदर की बात चल रही है, लेकिन ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ईएमएफ कितना है या इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखो, अब ये एक्सप्रेशन जब हम निकालेंगे, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो एक्सप्रेशन आता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन बता रहा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी वो डिपेंड करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसको जल्दी से हम सॉल्व करके देखते हैं ना, तो हमें बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो डिस्चार्जिंग मोड की, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, यहाँ फिर से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो इस टर्मिनल का आपने पोटेंशियल 0 मान लिया, तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है,
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर जीरो माना तो ये जीरो हो गया, तो ये आपका वी हो गया बच्चों। अब अगर आप लिखना चालू करोगे यहाँ से, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ये प्लस है ये माइनस है, करंट ऐसे आ रही है तो ये प्लस ये माइनस है बच्चों। तो अगर हम लिखना चालू करें तो वी की क्वेश्चन कई बार हमने पिछले लेक्चर में भी लिखी थी, एक बार और लिख लेते हैं। तो यहाँ से वी लिखेंगे, वी से इधर जाएंगे दूसरे टर्मिनल की तरफ, तो आपको देखो पोटेंशियल डिफरेंस घटते हुए नजर आएगा, घटेगा तो माइनस ई एम एफ, फिर बढ़ते हुए नजर आएगा तो प्लस आई इन टू आर, है ना, ये सब हम जानते हैं। और इक्वल्स टू हम जीरो पे पहुंच गए, तो ये जीरो, तो जो आपकी वी की वैल्यू है बच्चों इधर जाएगा तो ये ई एम एफ माइनस आई आर। तभी तो हम बोलते थे कि जो आपका ई एम एफ है बच्चों वो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो छोटा है इससे ई एम एफ से, डिस्चार्जिंग मोड। अब खैर ये तो हमारे पास समझ में आ गया हमें कि ये एक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये करंट पे डिपेंड कर रही है, तो जरा करंट की वैल्यू निकालें, है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर ये जीरो पोटेंशियल तो कनेक्टिंग वायर है, मैंने आपको बताया था बच्चों पहले कि कनेक्टिंग वायर में हमेशा पोटेंशियल जो होता है सेम होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो ये जीरो है तो रेजिस्टेंस का ये वाला पॉइंट कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी जीरो पोटेंशियल पे हो गया, और ये वी पर है तो ये पूरा कनेक्टिंग वायर तो ये वी है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी, मतलब वी माइनस जीरो, तो वो वी के बराबर हो गया। तो आप ओम्स लॉ लगाओ, तो हम फ्रॉम ओम्स लॉ आप बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो आपका रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है, इन तीनों में रिलेशन होता है, ओम्स लॉ बताता है जो, तो वी इज इक्वल टू आई आर, यही बोलोगे आप, है ना बच्चों। और यहाँ से आप क्या लिखोगे भाई, ये जो आप लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो आपने आई की वैल्यू वी बाई आर निकाल दी, और वी की वैल्यू जो है मतलब यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हो, तो वी बाई आर हो गया, है ना बच्चों। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसको इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि अब यहाँ पे अगर आप v की वैल्यू देखें तो v की वैल्यू है e माइनस आई आर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i इंटू कैपिटल R, और v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e माइनस आई आर। तो आप देखो बच्चों इसको इधर ले आओ तो ये बचेगा, इन इसको इधर लाओगे तो i कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा r प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे बचेगा ई एम एफ, इसको नीचे ले जाओ तो I इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर। तो देखो ये हमें करंट की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ किसके बच्चों, ई एम एफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म्स। अब ये वैल्यू आएगी आप यहाँ पे पुट कर दो तो V जो आएगा उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, E माइनस आई आर, तो ये I की वैल्यू E अपॉन आर प्लस आर और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर, तो ये R प्लस आर। अब बच्चों एलसीएम लोगे तो ई आर प्लस ई आर और ये माइनस आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ई आर बचेगा केवल। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया ई एम एफ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हिसाब से ई एम एफ इन टू आर अपॉन आर प्लस आर। तो देखो ये रिलेशन आपको बता रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वॉट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ई एम एफ फिक्स है इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक जैसा होगा, नहीं, अगर आप अलग अलग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओगे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग मिलेगा, क्योंकि उसी हिसाब से करंट होगी, उसी हिसाब से फिर लॉसेस काम करेंगे, है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस बात को आप यहाँ नोट भी लिख कर सकते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is also depends on external resistance capital R, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद देखो आगे जब हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको ईएमएफ बता दिया जाता है और आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बता दिया जाता है, तो आपको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, जो हमारी मेन इक्वेशन है उसको उससे देखें, तो वी इज इक्वल टू ई एम एफ इन टू आई आर है। तो आप एक काम करें आर की वैल्यू यहाँ से लिखें तो कितना लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा तो प्लस, ये इधर चला जाएगा तो माइनस, तो ई माइनस वी
बाई बच्चों आई हो जाएगा ना। देखो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो ये माइनस हो गया, फिर आई को डिवाइड कर दिया तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। और आई की वैल्यू आप देखो क्या है, वो आपको पता ही है, ई अपॉन आर प्लस आर है ना बच्चों। तो ई अपॉन आर प्लस आर इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, या फिर आई की वैल्यू ये वाली पुट कर दो आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो वी बाई आर पुट कर देते हैं। तो आई की वैल्यू जब आप वी बाई आर पुट करोगे तो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा ई माइनस वी अपॉन, ये आ जाएगा वी अपॉन आर। तो ये वी, तो इसको ऐसे लिख दो, अपॉन आर, तो आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो बच्चों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, अगर ये तीन चीज दी है तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आएंगे, फॉर्मूले समझ में आए होंगे कैसे काम करते हैं, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। भले ही सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स होते हैं बच्चों, वो भी कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो उनको बना जरूरी है यहाँ पर, है ना। इनको बोलते हैं करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो यहाँ पे अब आप इसी के आगे हेडिंग डाल लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कर्व्स फॉर अ सेल, है ना। तो जो प्रैक्टिकल सेल है उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स बनाए जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं और इसमें से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मेजरली तीन जो ग्राफ है वो ड्रॉ किए जाते हैं, उनको कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोला जाता है सेल का। जो पहला वाला ग्राफ है वो बनाया जाता है आपका ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो पहला कर्व है वो है ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका ड्रॉ किया जाता है। तो ईएमएफ का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। ईएमएफ तो क्या है बच्चों, कि सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जो 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ता है वो ईएमएफ है। उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ई वर्सेस आर ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू रेजिस्टेंस एक्सिस है ना, ये हमेशा रहेगा। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है बनाने को बोला जाता है, वो बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई ग्राफ, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ आपसे पूछा जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं आप। तो एक्स एक्सिस में करंट होती है, वाई एक्सिस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बीच का रिलेशन, ये मेन रिलेशन हमारे पास है, ये वाला रिलेशन, इसको अगर हम यहाँ लिखें तो वी इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। अच्छा, ई एम एफ जो है वो तो आपका कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। अब ये कुछ ऐसी चीज है ना बच्चों, ये वाई एक्सिस में कौन है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका इंटरसेप्ट है सी, और ये आपका, मतलब आपने देखा होगा तो जनरल इक्वेशन क्या होती है भाई, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सी की जगह ई एम एफ आ रहा है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो वी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, आई आई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस आर इंटू आई। तो ये स्लोप की वैल्यू हो गई रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्स की वैल्यू हो गई बच्चों कितना करंट, और प्लस ई एम एफ ई, तो ये इंटरसेप्ट हो गया। अब आप जानते हो जब स्लोप नेगेटिव होता है, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, यानी कि वाई और आई में, वी और आई में जो ग्राफ बनना है वो स्ट्रेट लाइन बनना है, बट नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल को वो करेगी, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी पॉजिटिव आई डायरेक्शन के साथ, और इसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वी एक्सिस को पॉजिटिव पे कट करेगी, और यहाँ पर वी की वैल्यू क्या होगी, ई एम एफ के बराबर, इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं ना। तो आई होप आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना आता है और उसको रिप्रेजेंट करना भी आता है। तो इस तरीके से ये वी वर्सेज आई का ग्राफ बनेगा आपका, और उसके बाद अगर आप इसका स्लोप निकालो तो देखो बच्चों इसका स्लोप जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा है ना। अगर देखो आप, तो ये जो स्लोप है ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए ना। तो इस वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वी आई
ग्राफ गिव्स यू इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना बच्चों? तो याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से नोट करते हैं। तो चलिए आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अगर तीसरा कर्व की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेल की, तो तीसरा जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो किया जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना? और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो क्योंकि कई बार यही पूछा गया आपसे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस। अब आप जरा इसका एक्सप्रेशन देखो भाई, जो आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो ये V इज इक्वल्स टू ई आर बाई आर प्लस आर। अब क्या होता ना कि ऐसे समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी रेजिस्टेंस है और डिनोमिनेटर में भी रेजिस्टेंस है ना, तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो इसके लिए कुछ वैल्यूज लेते हैं, कर्व लाइन तो बनेगी क्योंकि ऊपर नीचे दोनों स्ट्रेट लाइन तो बनना नहीं, लेकिन ये कर्व लाइन होगी कैसी, ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस आर को आप डिवाइड कर दो, मतलब एक जगह पे ले आओ, या तो पूरा न्यूमरेटर में ले आओ या पूरा डिनोमिनेटर में ले आओ। तो हम इस आर को डिनोमिनेटर पे ही डिवाइड कर देते हैं, तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा ई अपॉन आर, इससे डिवाइड होगा तो आर अपॉन आर वन हो जाएगा, प्लस ये स्मॉल आर से डिवाइड होगा तो ये आर अपॉन आपका बच्चों कैपिटल आर हो गया, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में ग्राफ बताना है तो कुछ पॉइंट्स देखो आप। सबसे पहले आप आर की वैल्यू जरा जीरो करके देखो, अगर आप आर की वैल्यू जीरो करते हो तो वी की वैल्यू क्या मिलती है वो देखते हैं, माने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो करते हैं। तो देखो अगर मैं आर को जीरो पुट कर दूं तो ये इंप्लाई कर रहा है कि आर को जीरो करने पर यहाँ पर ये चीज हो जाएगी इंफिनिटी, है ना? बहुत छोटा तो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, e अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो, तो मतलब v भी जीरो हो गया, यानी पहला कोऑर्डिनेट मिल गया जहां से आपको ग्राफ स्टार्ट करना है। तो r जीरो है तो v भी जीरो है, तो पहला पॉइंट तो बच्चों यही हो गया, ठीक है? उसके बाद आप ध्यान से देखो तो r की वैल्यू को स्मॉल r के बराबर रख के देखो, कैपिटल r की वैल्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, मतलब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर लिया हो, तब क्या होगा? तब अगर हम देखें तो अगर आप इसमें आर को आर कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ वन बचेगा, तो ई बाई टू, तो वी की वैल्यू मिल रही है ई बाई टू, मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर है, जब आपका पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई बाई टू है तो आपका यहाँ पे जो आर है वो किसके बराबर है बच्चों, स्मॉल आर के, मतलब दूसरा पॉइंट ये हो गया, मतलब ये जो कर्व जो भी है वो ऐसे पास होने वाला है ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसको कर्व लाइन से जोड़ना। फिर तीसरा पॉइंट देखो, आप एक पॉइंट इन्फिनिटी पे जोड़ दो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मिलने वाला है। तो अगर कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी ले लें हम, तो ये हो जाएगा जीरो, तो ई अपॉन वन, तो वी की वैल्यू ई के बराबर होगा, मतलब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई एम एफ को अचीव करता जाएगा, और ऑब्वियसली बात है जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर हो जाता है बच्चों, वो फिर ईएमएफ के बराबर हो जाता है ना? तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, वो जो यहां से भी इस रिजल्ट से भी क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, मतलब आपका ये जो ईएमएफ है भाई, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसको अचीव कर जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू को, और होना भी चाहिए ऐसा, है ना? ये आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो मतलब करंट जीरो हो गई, मतलब ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट में ये कर्व कैसा होगा भाई, मतलब ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो ईएमएफ के बराबर होता है, तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस में वो ईएमएफ को अचीव करेगा, तो इसको कर्व लाइन से जोड़ो, तो ये कर्व लाइन ऐसे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि V वर्सेस R का ग्राफ कैसे बनता है ना। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल सेल है, डिस्चार्जिंग मोड में जब बैटरी होती है तो ये कुछ कुछ चीजें पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तो ये सारी एनालिसिस हमने कर ली है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और आप इससे सवाल आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। तो देखो बच्चों, सर्किट थ्योरी पे बेस्ड हमने कुछ पॉइंट्स अभी देख लिए है ना, अब वो सारे पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए क्योंकि कई बार सर्किट सॉल्विंग में वो हमें लगेंगे।
अब जो सर्किट है उनको हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। तो आप हेडिंग डाल लो प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे भी जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो हम ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों लेट सपोज कि आपका ये सर्किट है, ये आपका बैटरी लगी हुई है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये इस तरीके से फिर नीचे आके ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी हो गई है। यहाँ पे लेट सपोज बच्चों 4 ओम का रेजिस्टेंस पूछा गया है, मतलब दिया गया है, और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक। और इस तरीके से कनेक्शन है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। आप जितने भी यहाँ पे सवाल कर रहे हैं आपको ये क्वेश्चन बताना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हालांकि इसमें तो एक ही ब्रांच आपको दिख रही है, सब एक ही कनेक्शन पर है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी अब आने वाले सवाल हैं उसमें आपको यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ये मान के लिखो, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। आप तो हर ब्रांच में आपको करंट ही निकालना है, जितने भी हम सवाल आगे चल के सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप सर्किट के किसी भी एक पॉइंट पर 0 पोटेंशियल मान सकते हो, है ना। मैंने आपको बताया था किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी सारी जगहों पर उस रेफरेंस से अगर आप चलोगे तो बाकी के पोटेंशियल डिफरेंसेस आप लिख पाओगे, है ना, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जब भी आप सर्किट सॉल्व करना चालू करें तो किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या कर लें भाई, बच्चों क्या मान लें, आप 0 मान लें, और बाकी सब जगहों को भी पोटेंशियल लिखना चालू करें। तो देखो जब यहाँ पे हम लिखना चालू करेंगे तो यहाँ पे लेट सपोज 0 0 आप कहीं ही मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने यहाँ पे 0 माना, तो देखो यहाँ से जब यहाँ गए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है, तो यहाँ से बढ़ा है 2 वोल्ट क्योंकि हाइयर पोटेंशियल पर है, तो बढ़ गया। तो 0 से 2 बढ़ा दो तो यहाँ पे 2, अब ये कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ भी 2 होगा, फिर ये 10 घट रहा है तो 2 से आप 10 माइनस कर दो क्योंकि लोअर हो रहा है 10 वोल्ट, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों -8, तो ये -8 वोल्ट हो गया। अब क्या है ना, यहाँ पोटेंशियल नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, और क्योंकि हमें सर्किट में करंट नहीं पता ना, तो हम बता नहीं सकते हैं कि इनमें कितना ड्रॉप हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आप एक यूज कर सकते हो पॉइंट, जो हमने बेसिक पॉइंट्स देखी थी सर्किट थ्योरी की, उसमें याद करो जो एक ही ब्रांच में, मतलब इन दोनों में करंट सेम है, तो उन रेजिस्टेंस को जोड़ के आप सिंगल रेजिस्टेंस बना सकते हो सीरीज में ड्रॉ करके, याद होगा आपको। तो इन दोनों को आप सीरीज में लगा सकते हो, मतलब जोड़कर एक रेजिस्टेंस से हटा सकते हो, क्योंकि एक ही ब्रांच है, क्योंकि सेम करंट जाएगी इन दोनों ही रेजिस्टेंस से। तो आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बना लोगे भाई, तो हम देखो इसका नीचे इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लें, ये आपकी बैटरी वही रही, बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन अगर बैटरी ना रिप्लेस करो तो रेजिस्टेंस तो हम कर ही सकते हैं, तो रेजिस्टेंस को तो हम जोड़ देंगे तो 2 और ये 4, तो ये हो जाएगा 6 ओम, और बैटरी वैसी की वैसी बनी रहने दो, तो ये आपका 2 वोल्ट और ये आपका बच्चों 10 वोल्ट, है ना। अब वही पोटेंशियल जो हमने लिखा था वो वापस से लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 पोटेंशियल माना तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो बच्चों यहाँ -8 आया था, है ना, 10 कम हो गया, तो यहाँ -8 है और इस जगह पे 0 है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आप देखो हाइयर पोटेंशियल नीचे वाला है और लोअर पोटेंशियल ऊपर वाला है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है बच्चों वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन ऐसी है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अच्छा ये करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ओम्स लॉ लगा लो। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो बच्चों ये करंट है आई, तो आई की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो हाइयर पोटेंशियल 0 माइनस लोअर पोटेंशियल है -8, ये पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8, तो दिस इज 8/6,
एंड विच विल बिकम, इफ यू कैन सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4/3 एम्पियर। तो ये करंट है इस सर्किट में। तो इस तरीके से हमें सर्किट सॉल्व करने होते हैं। ये मैंने अभी बिल्कुल सिंपल सवाल किया है, अब इससे अच्छे सवाल करेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, इसके बाद और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कमांड आएगी आपको, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ज्यादा कमांड नहीं आएगी। तो अभी तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम अच्छे प्रॉब्लम्स पे आते जाएंगे धीरे धीरे। तो आपके पास एक और सर्किट है इस तरीके से, ये ऐसे, और फिर आपका ये ऐसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और एक और रेजिस्टेंस है ऐसा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना बच्चों। तो ये आपका इस तरीके से सर्किट है। वही बात है, फिर से वही क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, मतलब इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, हर ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से आप एक बार देखिए। सबसे पहली बात तो क्या करना है भाई, कि आपको किसी भी एक पॉइंट पे सर्किट पे 0 मानना है। किसी भी पॉइंट को मान सकते हो, लेकिन एक ही जगह मान सकते हो, बार बार नहीं मान सकते, इस बात का ध्यान रखना। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसे पॉइंट पे माना करो जहां से ये आपके ज्यादा पॉइंट्स कनेक्टेड हो, क्योंकि वो ज्यादा पॉइंट्स कनेक्टिंग वायर से अगर कनेक्टेड है तो सब 0 हो जाएंगे। तो उन जगहों पर आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, सब 0 पे मेंटेन हो जाएगी ना। तो इससे सर्किट आसानी से सॉल्व होता है। मान कहीं भी सकते हो, लेकिन ऐसी जगह पर मानना अकलमंदी होती है जहां पे ज्यादातर पॉइंट्स आपके 0 हो जाए। तो मेरे को दिख रहा है कि नीचे कनेक्टिंग वायर ज्यादा पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो मैं नीचे वाले पॉइंट पे 0 मान लेता हूँ। तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 पे पोटेंशियल पे है, ये भी 0 पोटेंशियल पर है। अच्छा बच्चों, ये 0 है तो यहाँ से ये हाइयर पोटेंशियल 10, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है ना, तो ये 10 बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 10, तो ये भी कनेक्टिंग वायर है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 है। अच्छा ये 0 है तो यहाँ से ये 4 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो बैटरी के इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, मतलब पोटेंशियल 4 है। ये 0 है तो पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे जा रहा है, बढ़ रहा है 4 से, तो मैंने 0 से 4 बढ़ा दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखो दोनों रेजिस्टेंस के अबाउट आपको क्या पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है, तो आप अब करंट निकाल सकते हो भाई। तो अगर ये वाली करंट निकालनी है बच्चों, तो इस करंट की अगर हम बात करें, तो ये जो करंट है लेट सपोज I1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हाइयर ये लोअर, तो ये हो जाएगा 10 -4/2, विच इज 6/2, मतलब 3 एम्पियर। आप इस वाली करंट में देखो तो ये आपकी करंट हो गई बच्चों I2, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने इसकी डायरेक्शन ऐसे इसलिए बनाई है क्योंकि ये हाइयर ये लोअर, तो हाइयर से लोअर जाती है रेजिस्टेंस के थ्रू, 10 -0 मतलब 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर ही करंट जा रही, तो इसमें कितनी होगी। अब आप सोचो, देखो इस वाले पॉइंट पर यहां से करंट गई है कितने एम्पियर की, 3 एम्पियर की, और यहां से करंट गई है कितने एम्पियर की बच्चों, 5 एम्पियर की। तो यहां से कितनी आई होगी, अगर इन दोनों से जा रही है तो कोई करंट आई होगी, तभी तो टूटी होगी ना। तो यहां से कितनी करंट आनी चाहिए, अगर ये 5 गई ये 3 गई, तो इन दोनों को मिला के यहाँ से बच्चों 8 एम्पियर आना चाहिए। अब देखो सारी चीजें आ गई, अब यहां से ये करंट ऐसे जाएगी इधर की तरफ कितने, 3 एम्पियर, ये करंट ऐसे आएगी कितनी बच्चों, 5 एम्पियर, फिर ये दोनों मिलकर ऊपर जाएगी कितनी, 3 + 5 = 8। देखो पूरी सर्किट सॉल्व हो गई और कहीं पर आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है ना, हर जगह पे मैच कर रही है ये। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम बच्चों सॉल्व करते हैं सर्किट को। अच्छा जैसे मैंने आपको ये बताया कि आंसर चेंज नहीं होगा अगर आप 0 कहीं भी माने, कोई जरूरी नहीं है ऐसा नीचे 0 मानने का, लेकिन मैंने क्यों माना, मैंने उसका आपको कारण बताया कि एक्चुअली में अगर आप 0 मानोगे तो उससे फायदा ये होता है कि ज्यादा जगहों पर 0 लिख जाता है जब कनेक्टिंग वायर से जुड़े होते हैं ज्यादा पॉइंट्स, इसलिए वहां 0 मानना चाहिए, तो कैलकुलेशन आसान होती है। लेकिन आंसर सेम होता है। इसको समझाने के लिए मैं इसको अल्टरनेटिव मेथड, मतलब एक दूसरी जगह पे 0 मान के आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ताकि किसी बच्चे को डाउट ना रह जाए कि भाई ऐसा ना हो कि हम दूसरी जगह पे मान लें तो हमारा आंसर गलत हो जाए। मैंने आपको बताया कैलकुलेशन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आसान करनी है, बाकी आपकी मर्जी है, कॉन्सेप्ट कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि वैलिड ना हो, हर जगह पे वैलिड है वो, तो वो आपको कभी भी गलत आंसर नहीं देगा, है ना। बकायदा आपका कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बस ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जैसे इसी सर्किट में मैं एक दूसरी जगह पे 0 मानता हूँ, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, है ना बच्चों, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। देखें,
कैसे? तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये बच्चों आपके 10 वोल्ट की बैटरी है ना। चलो अब मैं उस जगह पे जीरो नहीं मान रहा हूँ जहां पे ज्यादा कनेक्टिंग वायर्स है और ज्यादा जगहों पे जीरो हो जाएगा, आप इस जगह पे जीरो मान, सिर्फ एक ही जगह पे जीरो मान सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, दूसरी जगह पे जीरो नहीं मान सकते हो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट पे जीरो माना तो इस पॉइंट पे नहीं लिख सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है और मुझे करंट के बारे में नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पे लिख सकता हूँ क्योंकि ये बैटरी है। तो ये हाइयर है, ये लोअर है, कितना लोअर है? तो 4, तो 0 से 4 घटा दो, लोअर कर दो, तो ये हो जाएगा -4। अच्छा, ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा है, तो ये -4 है, तो ये -4 है, तो ये -4 है, ये समझ में आती है मुझे बात? अच्छा, ये -4 है तो मैं इस पॉइंट का लिख सकता हूँ, -4 है तो यहाँ से 10 बढ़ रहा है, तो -4 से 10 बढ़ा दो, तो अगर 10 बढ़ाओगे तो -4 से 0 आने में 4 चला गया, और फिर और 10 बढ़ाने के लिए 6 लेना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 6 -4, देखो 10 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। अब ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले लिखना सिखाया था, लेकिन यहाँ 0 मानने से ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी टफ दिख रही होगी लिखने के लिए, और यहाँ पे वही चीज आसान थी, इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसे पॉइंट पे 0 माना करो जहाँ पे ज्यादातर पॉइंट्स कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हो, क्योंकि वो सारे पॉइंट 0 पे आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। खैर, हम इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है, ये कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। अब आप करंट निकालो बच्चों फिर से उसी तरीके से, तो देखो ये जो करंट होगी ये कितना होगा, 6 -0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 बाई रेजिस्टेंस 2, तो 6 बाई 2 हो गया 3 एम्पेयर, तो यहाँ से करंट आ रही है 3 एम्पेयर। देखो आपने पहले निकाला था तो भी यही आंसर था, फिर 6 -4, तो ये 10 बाई 2, तो यहाँ से आएगी 5 एम्पेयर। अब ये 3 आया, ये 5 आया, तो यहाँ से कितनी आ रही, 8, या फिर यहाँ से 5 आई 3 आई, मिलके कितनी जा रही होगी, 8। देखो फिर से वही आंसर आ गया। इसलिए मैंने कहा कि आप कहीं पे भी एक एक पॉइंट पे 0 मान सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ 0 माना, यहाँ 0 माना, यहाँ फंस गए नहीं लिख रहे तो यहाँ भी 0 मान लो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। दो जगह रेफरेंस नहीं ले सकते आप, रेफरेंस पॉइंट सर्किट में, पूरी सर्किट में केवल एक ही जगह ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग बाकी जगहों का पोटेंशियल लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना। और आसान कैलकुलेशन के लिए हमेशा 0 उस जगह पे माना करो जहां पे ज्यादा पॉइंट्स कनेक्टेड हो कनेक्टिंग वायर के थ्रू, है ना। तो आई होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है, और इस सेक्शन से पक्का क्वेश्चन आना है, ये आप गारंटीड मान लो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना। तो लेट्स सपोज आपको इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया है ऐसे, फिर यहाँ पे एक और बैटरी जोड़ दी उन्होंने, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे एक और बैटरी जोड़ दी, फिर नीचे इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये 2 ओम, और इस तरीके से ये बैटरी बच्चों कनेक्टेड है ना। तो ये आपके पास सर्किट है, ये जो है बैटरी ये 2 वोल्ट की है, ये आपका 4 वोल्ट की बैटरी है, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है, और आपसे क्वेश्चन वही है फिर से, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि आपको क्या फाइंड करना है, करंट इन ईच ब्रांच। तो जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट पे 0 मार्क करो, क्योंकि एक जगह रेफरेंस लेने में कोई बुराई नहीं है, बाकी किसी जगह पे रेफरेंस नहीं लेना, और मैंने आपको बताया कि इजियर कैलकुलेशन के लिए उस जगह को रेफरेंस लो जो जगह पर कनेक्टिंग वायर जुड़ा हो। तो देखो यहाँ पे नीचे मुझे ज्यादा कनेक्टिंग वायर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 0 मांगता हूँ नीचे पर, तो ये भी 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0, पूरे कनेक्टिंग वायर में 0 पोटेंशियल। फिर उसके बाद मार्क करना चालू करूं, तो यहाँ पे मैं बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ रहा है 4 से, तो 0 से 4 बढ़ा दो, तो ये मैंने 4 बढ़ा दिया, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ा दो, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, और यहाँ पर देखो 4 है, और जब आप इधर इस साइड आओगे तो ये 2 घटेगा, तो 4 में 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे 2 वोल्ट बचेगा। देखो सारे जगह पे पोटेंशियल लिखा गया है, अब करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इस रेजिस्टेंस में हाइयर पोटेंशियल 2 है और लोअर 0 है, तो ये हो जाएगा 2 -0/2, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो करंट जाएगी बच्चों ये 2/2, तो ये 1 एम्पेयर हो गया। अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो करंट जाएगी ये हाइयर से लोअर, और यहाँ पे ये 4 -2/2, तो ये फिर से 1 एम्पेयर आ गया। तो यहाँ से 1 एम्पेयर जा रहा है, यहाँ से भी 1 एम्पेयर जा रहा है इस पूरी ब्रांच में, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा, 2 एम्पेयर।
तो 2 एम्पियर में से 1 इधर गया, 1 इधर गया, तो ये 1 इधर से आ रहा है, यहाँ से ही 1 आ रही है, और यहाँ से फिर ये 2 जा रही है। देखो सब जगह से हर तरीके से मैच कर रहा है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों किसमें कैसे हमने सॉल्व किया है। और अगर हम बात करें तो और क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए अगर मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन दूं कि भाई ये आपकी एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो 2 ओम का है, यहाँ पर इस तरीके से फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस भी 2 ओम का है, फिर एक यहाँ पे एक और बैटरी जुड़ी हुई है इस तरीके से, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये बच्चों आपकी 4 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बच्चों, ये रेजिस्टेंस भी मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक ब्रांच ये आई है, यहाँ पे एक बैटरी है 10 वोल्ट की, और यहाँ एक और बैटरी है 2 वोल्ट की, और ये कनेक्शन ऐसे आकर कनेक्टेड है। तो ये सर्किट है, इसमें भी ये हर एक ब्रांच में आपको क्या बोला है कि फाइंड द करंट एट ईच ब्रांच। तो चलिए इसको ही फाइंड आउट करते हैं। तो जहां पे कनेक्टिंग वायर सबसे ज्यादा दिख रहा है वहां पे आप 0 मार्क करो तो ये सब 0 हो जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस दूसरी तरफ देखो तो 2 वोल्ट बढ़ रहा है, हाइयर पोटेंशियल पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, है ना बच्चों। फिर यहाँ से यहाँ अगर हम जाएंगे तो देखो ये 10 वोल्ट बढ़ रहा है, 0 से पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, और ये हाइयर पोटेंशियल है तो 10 वोल्ट बढ़ रहा है, तो 0 से 10 बढ़ा दो तो यहाँ पे आप 10 वोल्ट लिख सकते हो। तो ये कनेक्टिंग वायर है तो ये भी 10 वोल्ट हो गया। उसके बाद आप देखो ये 10 वोल्ट है और ये इंक्रीज हो रहा है, देखो नीचे ये नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव, तो इंक्रीज हो रहा है कितने से, 4 वोल्ट से, तो 10 में 4 इंक्रीज करो तो इस पॉइंट का 14 वोल्ट आएगा आंसर, है ना। यहाँ पे 10 वोल्ट है, अब इसके बारे में देखो ये 10 वोल्ट है और डिक्रीज हो रहा है 2, लोअर पे आ रहे हो तो 10 से 2 लोअर आया तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट, तो ये आपका 8 वोल्ट। देखो हर जगह पे शायद मार्किंग हो चुकी है पोटेंशियल की। अब रेजिस्टेंसेस के थ्रू हम निकालना चालू करते हैं, देखिए कैसे करंट निकालेंगे। इस रेजिस्टेंस के लिए 2 ओम के लिए ये हाइयर ये लोअर, तो करंट की रिएक्शन ये है 10 - 0/2 ओम्स लो लगाओ, 10 - 0/2 तो ये हो गया बच्चों 5 एम्पियर। फिर यहाँ पे देखो 14 - 0 तो इसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ आएगी, तो 14 - 0 14 by resistance 2 तो ये हो गया 7 एम्पियर। फिर अगर हम देखें और तो कैसे निकालेंगे भाई और करंट, ये वाले रेजिस्टेंस में निकालें तो ये 10 - 2 8/2 तो करंट इस तरफ है हाइयर से लोअर, 10 - 2 8/2 तो ये हो गया बच्चों 4 एम्पियर, है ना। अब बाकी जगह ब्रांच पे कैसे निकालेंगे, ये वाले ब्रांच में भी करंट निकाल लो, ये हाइयर है ये लोअर है तो नीचे की तरफ करंट है 8 - 0/2 तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर, तो नीचे की तरफ 4 एम्पियर। अब देखो बच्चों यहां से आ रहा है आपका 7 एम्पियर, यहां से आ रहा है आपका 5 एम्पियर, और यहां जा रहा है 4 एम्पियर, है ना, और नीचे यहाँ पे भी आ रहा है 4 एम्पियर। देखो अब तो ये 4 एम्पियर नीचे आ रहा है, 4 एम्पियर 8 एम्पियर 7 एम्पियर 15 एम्पियर और ये 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर यहाँ से आ रही होगी, तभी तो 20 एम्पियर यहाँ से जा रही होगी, 4 + 4 5 + 7, है ना। तो यहाँ से भी देखो आप यहाँ से भी मैच कर सकते हो, यहाँ से 4 एम्पियर आया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से 7 आया, तो इस ब्रांच में 7 और 5 मिलकर 12 एम्पियर आया, 12 और 4 आया तो यहाँ से मिलकर 16 एम्पियर हो गया, और ये 4 एम्पियर यहाँ से आ रहा है तो 16 और 4 मिलकर यहाँ से 20 एम्पियर हो गया। देखो हर जगह पे सही बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हर ब्रांच में हम बहुत इजिली करंट बता सकते हैं ना। तो देखिए बस स्टूडेंट्स और क्वेश्चन ही अगर हम प्रैक्टिस करें, है ना, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना। तो जैसे लेट सपोज कि हम ये ऐसा क्वेश्चन लें कि भाई यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 4 वोल्ट है और इस तरीके से ये आपका रेजिस्टेंस 2 ओम है, फिर यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन है, फिर यहाँ से 6 वोल्ट की बैटरी है, फिर यहाँ से 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना। तो
कई बार बच्चे सोचते हैं कि 2 ओम सर क्यों ले रहे हो, तो इसको इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान है। जब रियलिटी में सवाल आएगा तो ये रेजिस्टेंस अलग अलग होंगी, तो कैलकुलेशन वैसे करना पड़ेगा अभी आसान कैलकुलेशन, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है सर्किट। बाकी कैलकुलेशन करना तो आपका काम है, तो आप करते रहिएगा, बुक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से फिर ये आपने नीचे कनेक्शन किया हुआ है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये आ रहा था 2 ओम का, यहाँ पे एक और बैटरी जोड़ दी गई है साथ में 2 वोल्ट की, ये जोड़ दी है ऐसे। अब आपको वही आपका क्वेश्चन तो वही है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जहाँ पे सबसे ज्यादा कनेक्टिंग वायर के पॉइंट्स दिखाई दें, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं, तो मुझे नीचे दिख रहा है, और एज यूजुअल 98% केस में आपको नीचे ही दिखेगा, 99% केस में। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे ही हमेशा 0 लगा लिया करो। तो ये सब 0 हो गए कनेक्टिंग वायर से जो जुड़े थे। फिर देखो ये 10 वोल्ट बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 10 हो जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 हो जाएगा। और यहाँ से 4 वोल्ट बढ़ रहा है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी कनेक्टिंग वायर 4 है, तो ये भी कनेक्टिंग वायर है 4, ये सब 4 वोल्ट हो गया। उसके बाद यहाँ 10 है तो यहाँ से 6 कम होगा तो ये 4 वोल्ट बचेगा। फिर यहाँ 0 है 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 वोल्ट बचेगा। तो आई होप आपने हर जगह पोटेंशियल लिख रहा है। आप करंट निकालना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालो, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखोगे तो ये 2, पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइनस 0, तो 4/2। तो यहाँ से नीचे की तरफ करंट आएगी कितनी बच्चों, 4 माइनस 0/2, तो ये 2 एम्पेयर है ना, मतलब इस पूरी ब्रांच में 2 एम्पेयर की करंट है। फिर इस वाली ब्रांच में अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस हाइयर लोअर, तो 10 माइनस 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 8/2, तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगी 4 एम्पेयर की करंट, है ना बच्चों। फिर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हाइयर ये लोअर, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से कितनी करंट आएगी बच्चों, देखो 10 माइनस 4 6/2, तो 3 एम्पेयर। तो देखो ये 3 एम्पेयर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, नीचे ऐसे आएगी 3 एम्पेयर, फिर यहाँ पे आएगी 3 एम्पेयर, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। और बच्चों यहाँ से 2 एम्पेयर आ रही है और यहाँ से 4 एम्पेयर आ रही है, तो ये 2 और 4 मिलकर यहाँ से कितनी जाएगी, 6 एम्पेयर। 2 एम्पेयर 4 एम्पेयर मिलेगी और यहाँ से 6 एम्पेयर जाएगी, है ना। तो आई होप आपको क्लियर है। फिर ये 6 और 3 एम्पेयर बच्चों यहाँ पे आके मिलेंगे, यहाँ से 3 एम्पेयर मिल रहा है, यहाँ से 6 एम्पेयर, तो ये हो गया 9 एम्पेयर, है ना। तो आई होप आपको बच्चों ये क्लियर होगा। फिर 9 एम्पेयर में से 3 एम्पेयर ऐसे चलेगा, तो इस ब्रांच में कितनी बची, 9 में से 3 इधर गया, तो यहाँ कितनी जाएगी, 6 एम्पेयर। फिर 6 एम्पेयर फिर डिवाइड हो गया 4 एम्पेयर और 2 एम्पेयर, तो देखो ये 6 बन रहा। तो हर जगह की करंट निकाल ली बड़े ही आसानी से, और आपको समझ में आ रहा होगा कि हर जगह वो सही बैठ रही है कैलकुलेशन में, किसी ब्रांच में आप देख लो तो वो ऐड होकर या सब्ट्रैक्ट होकर सही आ रहा है आंसर। तो दिस इज अवर आंसर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया आपको, फिर से सर्किट है, करंट इन ईच ब्रांच आपको निकालना है, क्वेश्चन तो वही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम निकालें फिर से वही बात कि एक जगह पे 0 मानो तो यहाँ पे सब जगह 0 मानो, यहाँ पे 2 वोल्ट हाइयर हो रहा है तो बढ़ा दो, तो 0 से 2 बढ़ा दिया तो 2 मिल गया, यहाँ पे 0 से 10 घटा दिया तो -10 मिलेगा। देखो यहाँ पर ये हाइयर है ये लोअर है, तो 0 से 10 घटाना पड़ेगा तो -10 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये सब -10 है। और उसके बाद ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ से बढ़ा दो तो ये 2 हो जाएगा, और -10 में से 4 घटा दो तो -10 में -4 और करो क्योंकि घट रहा है पोटेंशियल, तो ये -14 हो गया। अब करंट की डायरेक्शन देख लो भाई, हाइयर से लोअर जाता है करंट के थ्रू, तो ये आपका लोअर है -10 और 2 हाइयर है, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ जाएगा, और 2 माइनस माइनस 10 तो 12/2, तो ये हो गया 6 एम्पेयर की करंट, है ना बच्चों। फिर वैसे ही आप इस रेजिस्टेंस में निकाल सकते हो, 2 ये ऊपर की तरफ, ये भी 6 एम्पेयर आएगा, 2 माइनस माइनस 10 तो 12/2 ओम, तो ये 6 एम्पेयर। तो यहाँ से 6 एम्पेयर जा रहा है बच्चों, यहाँ से 6 एम्पेयर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हाइयर ये लोअर, तो यहाँ से भी ऐसे करंट आ रही है, और 0 माइनस माइनस 14 तो 14/2, तो ये हो गया 7 एम्पेयर। तो यहाँ से बच्चों इस तरीके से 7 एम्पेयर की करंट आ रही है, यहाँ से 6 एम्पेयर की करंट आ रही है, यहाँ से 6 एम्पेयर की आ रही है, 7 एम्पेयर की आ रही है, तो मिलकर यहाँ से कितनी जाएगी, 6 + 6 12 और + 7
19 एम्पियर, 12 प्लस 7 जो होता है वो कितने एम्पियर करंट होती है बच्चों, 19। तो इस ब्रांच से 6, 6 और 7 मिलकर टोटल 19 जा रही है। तो यहाँ पर ये आपको बच्चों क्लियर हुआ। फिर आप और आगे भी बना सकते हो, ये 19 है तो 19 में से 6 ऊपर चली गई तो बची कितनी, 13। तो 13 एम्पियर की करंट यहाँ से आएगी, फिर 13 में से 6 ऊपर चली गई तो बची 7। तो देखो वापिस से ये 7 एम्पियर जा रही। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमें कैसे इन सवालों को सॉल्व करना है। ये सबसे बेसिक सवाल होते हैं, सबसे आसान सवाल होते हैं। अब बच्चों इससे जो टफ सवाल हम करेंगे तो आप देखोगे कि हर जगह पे आप पोटेंशियल नहीं दिख पाओगे जैसा इन सवालों में हो रहा था। तो उसके बाद दूसरी टेक्निक से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये ओम्स लॉ वाला टेक्निक नहीं है, काम आएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो मेथड अलग सीखनी पड़ती है सर्किट सॉल्विंग के लिए, एक होगा केवीएल और एक होगा केसीएल। तो अब उसकी भी चर्चा हम करेंगे।